नमस्कार, एसआई में स्वागत है। बारिश के मौसम में श्री वागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार लगा हुआ है। पितामह रामाई के पश्चात पार्ट टू में हम आपको वागेश्वर धाम की स्थिति क्लियर करेंगे कि आखिरकार कितनी भीड़ है, बारिश के मौसम का असर दरबार पर पड़ा या नहीं पड़ा। आप हमारे साथ चलें और यह पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने अपनी स्थिति क्लियर कर दी है। दतिया आने के पश्चात रेलवे स्टेशन से यहाँ टेम्पू से आना पड़ा, उसके बाद बारिश हुई, बारिश की वजह से हमें अपना छाता भी लेना पड़ा। पहले मालूम नहीं था दतिया में बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप। इस रास्ते से लोग आ रहे हैं और जैसा कि देखकर मालूम चल रहा है ये सभी भक्त हैं। दिव्य दरबार का आयोजन किस स्थिति में हुआ आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार दतिया आने पर कहाँ रुकी। हम सारी स्थिति आपको क्लियर कराएंगे। देखिए आप एसडीएम साहब की गाड़ी निकल रही है, यहाँ से हम उत्तर की दिशा में जा रहे हैं। देख सकते हैं आप बारिश के मौसम में लोग दिव्य दरबार और माँ सीतामह रामाई की नगरी में उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं यातायात पुलिस द्वारा ये व्यवस्था की गई है। ये जो वाहन आप देख रहे हैं खड़े सामने, देख सकते हैं आप, छाता मैं कर रहा हूँ उस साइड में, हाथ नहीं कर सकता मैं। देख सकते हैं आप ये लोग जा रहे हैं दिव्य दरबार आने के बाद, ये सामने टेम्पू खड़े हुए हैं। ये इन लोगों का यहाँ से निकलना यहाँ से रोका गया है आगे ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए। ट्रैफिक पुलिस बहुत साफ देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा भी। और ये सीतामह चौराहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैनर लगाए गए हैं। बागेश्वर धाम सरकार के स्वागत में देख सकते हैं आप बारिश का आनंद लेते हुए सभी लोग देख सकते हैं आप, जो भक्त हैं वो बारिश का आनंद ले रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। दतिया जिले की स्थिति एक तो स्पष्ट है कि यहाँ पर आने पर बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, मुलाकात होती है कुछ लोगों से, वो जानता हो या नहीं जानता हो लेकिन देखकर मुस्कुराते जरूर हैं। देखिए यार ये पीतामरा माई का उत्तर द्वार है, यहाँ से पुलिस बता दें गाड़ी निकल रही है, कुछ गाड़ियाँ यहाँ रखी गई हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है, भारत में भी देख सकते हैं आने जाने के लिए यहाँ से वाहन किस प्रकार से निकलेंगे, जैसा उन्हें निर्देश मिलता है उस हिसाब से वो डील करते हैं और लोगों को आने जाने के वाहनों को रोक दिया जाता है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, ये है माँ पीतामह रामाई का उत्तर द्वार, यह नया बना हुआ है, भक्तों के लिए खोल दिया गया है। फिलहाल यहाँ से आप जाना चाहते हैं शनिवार के दिन आ सकते हैं, और भी अन्य दिनों में ये खोला जाता है। देख सकते हैं आप, जैसा कि कल भी बताया गया था, ये झंडे जो लगाए गए हैं यह प्रतिचिन्ह हैं कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। इस रास्ते पर चलने पर आपको बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में जगह मिलेगी, पहुंच जाएंगे आप। देख सकते हैं भारी बारिश में, बहुत बारिश हो चुकी है, अभी हल्की हल्की बारिश हो भी रही है। सभी लोग जा रहे हैं, अभी दो दिन का आयोजन बाकी है, दो दिन और आयोजन होने हैं, 7 तारीख और 8 तारीख। इसके बाद बागेश्वर धाम सरकार पुनः अपने
गंतव्य स्थान की ओर रवाना हो जाएंगे। उनके स्वागत सत्कार के लिए बैनर और गेट और होर्डिंग लगाई गई हैं। रतिया में जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको हर जगह होर्डिंग वगैरह दिख जाएंगे।